दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब ऐसे एक फ़ोन नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हमने उसे इंस्टाग्राम पे अटैच कर दिया। तो अगर आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट होते तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करता हूँ अपनी आवाज़ में। दोस्तों आपने सुना होगा वैसे तो अक्सर हमारे इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग जाते हैं जैसे कि कनाडा, अमेरिका अपनी हायर एजुकेशन पूरे करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए कि आप एक दूसरे देश में हैं और वहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए जिसको आप सोच ही ना पाओ, कभी ज़िंदगी में आपने कभी ऐसा सुना भी ना हो। आज आपको एक ऐसी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ जो कि अनमोल ने मुझे बताई। ये स्टोरी मैंने ऐसे हालातों में सुनी है ना कि मैं खुद भी ट्रैवल कर रहा था और अनमोल भी कहीं पर अपना जो था ट्रक चला रहा था। मैं मेट्रो में था जब अनमोल का मेरे पास पहली बार कॉल आया और अनमोल उस टाइम पे अपना ट्रक ड्राइव कर रहा था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टोरी की ओर चलते हैं। आज से 5 साल पहले की बात है जहाँ पर अनमोल अपने परिवार वालों के कहने पर कनाडा गया था अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए। वैसे तो आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ा राज रह जाता है कि इन बच्चों को जो भेजा जाता है वो होते हैं बहुत बड़े लोन्स और पैसा उधार लेके। अनमोल को भी इसी तरीके से बाहर कनाडा में भेजा गया था। अनमोल जो है वो अंबाला के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया। उनके साथ उनका एक दोस्त भी गया था जो हमेशा उन्हीं के साथ रहता है, आज 5 साल हो गए तब भी वो उन्हीं के साथ है। अनमोल ने बताया, अक्षय भाई कनाडा में ज़िंदगी बहुत अलग है और वहाँ पर जो टेम्परेचर है अमेरिका और कनाडा में वो हमेशा माइनस में रहते हैं। अभी स्टोरी उन्होंने बताई थी तब भी उन्होंने मुझे आसपास का पूरा एरिया दिखाया जो बहुत बर्फीला हो चुका था। अनमोल जब वहाँ पर गया था तो उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था रेंट पर, उसको शायद वहाँ पर कोंडो बोलते हैं। उस अपार्टमेंट का जो रेंट था वो था $1200। अनमोल और उसका दोस्त $600 देकर वहाँ पर अपनी स्टडी कम्प्लीट कर रहे थे। जब वहाँ पर स्टडी कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारा क्राउड आता था जहाँ पर वाइट और ब्लैक सबसे ज़्यादा लोग उन्हें मिलते थे और इंडियंस वहाँ पर उन्हें नॉर्मली कॉलेजेस में नहीं टकराते थे। लेकिन एक लड़की थी जो उन्हें मिली वहाँ पर एज ए इंडियन, लेकिन अनमोल ने बताया कि भाई उस लड़की के साथ ना कुछ अजीब सा सीन था। वो अपने घर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी, उसे उसके घर वालों ने भेज तो दिया था कनाडा पढ़ने के लिए, अपने घर पर फ़ोन पर बात करती ही नहीं दिखती थी। और जैसे नॉर्मली अनमोल कॉलेज जाता था तो एक ग्रुप बन गया था जहाँ पर वो अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे थे, उनका दोस्त भी था। और ग्रुप कब देखते देखते बड़ा होता चला गया, वहाँ पर और भी इंडियन फीमेल्स मिली जहाँ पर अनमोल उनके फ्रेंड वगैरह का एक ग्रुप बन गया। जब भी वो आउटिंग करने जाते थे साथ जाते थे, और जो अनमोल का अपार्टमेंट था उन्हीं के सामने वाले अपार्टमेंट में मानसी रहा करती थी। इन्होंने कभी बोलते ना कि जिस एज में ये गए थे इसमें कभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं करते, तो अनमोल ने कभी मानसी के बारे में कुछ चेक नहीं किया। अपने दोस्त तो खैर उसके गांव का ही था। तो अनमोल ने बताया कि भाई वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफ है, लेकिन जिस तरीके से ये बेचारे गए थे, ये लोन लेकर गए थे, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी थी। अब हुआ क्या वहाँ पर कि एक दिन रात की बात है, अनमोल ने मुझे बताया कि भाई हम अपने ना अपार्टमेंट में थे जब एकदम से मानसी इनके अपार्टमेंट का डोर नोक करती है और ये देखते हैं कि रात के 2 बजे हुए हैं और मानसी इनके गेट के सामने क्या कर रही है। तो मानसी अनमोल को बताती है कि यार हमारे अपार्टमेंट में ना हम दो जो लड़कियां थी उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, पता नहीं वो बोल रही है कि मेरे को नहीं रखना उन्हें या मेरे साथ नहीं रहना। और अनमोल ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, उसका दोस्त भी वहीं पर खड़ा था। और ऐसे सिचुएशन में होता भी ऐसा ही है कि अचानक से कोई 2 बजे गेट खटखटा दे, पहले तो थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या इमरजेंसी आ गई, लेकिन फिर सामने वाला बोले कि जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ या जिन लड़कियों के साथ मैं रहना चाह रहा हूँ उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया, तो एक सिचुएशन बहुत अजीब क्रिएट हो जाती है। तो अनमोल ने उन लड़कियों को फ़ोन करा और बोला, यार हम सब इंडिया से हैं, दूसरे देश में आ रखे हैं, तुम ऐसा मत करो, इसे तुम अचानक से बाहर निकाल रहे हो, कहाँ जाएगी। तो उन लड़कियों ने ना एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर शायद आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। उधर से वो लड़कियाँ बोलती है कि एक बात बता अनमोल, तुझे कैसा लगेगा अगर ये तेरे साथ रह रही हो और ये उठकर किसी से बड़बड़ाए, बातें करे, इसके हाथ में फ़ोन नहीं होता और ये अजीब अजीब सी हरकतें करती है, रात को उठ के बैठ जाती है कमरे में और बात करने लग जाती है। तो अनमोल ने बोला, यार तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, शायद मे बी इसके पास फ़ोन हो, मे बी शायद ये नींद में बात कर रही हो, कई लोगों को होती है भाई बीमारी, उठ के चल देते हैं वो नींद में।
तो उन लड़कियों ने बोला कोई नहीं अनमोल, तेरे बोलने पे हम इसे रात को रख लेते हैं, लेकिन कल से हम ही हमारे साथ नहीं रहेगी, हमें डर लगता है यार, सीधी सी बात है। अनमोल उन्हें समझाते ठीक है कल की कल देखेंगे, अभी इसे अपने कमरे में लो, ऐसा मत करो यार कि तुम अपार्टमेंट में से निकाल रहे हो। तो अगले दिन ना वो लड़कियाँ मानसी को मना कर देती है, और मानसी बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस चीज़ को लेकर कि अब कहाँ जाऊँ। तो अनमोल और उनके जो दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हमारा जो रेंट है ना वो $1200 है, $600 हमें देने पड़ते हैं, हमें पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है, हमें कॉलेज में भी जाना पड़ता है, हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, हम अपनी इच्छाएँ मार रहे हैं। तो ये बोलते हैं काम करते हैं अपने अपार्टमेंट में मानसी को रख लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, मानसी को बोलते हैं कि आप एक काम करो हमारे में शिफ्ट हो जाओ। और मानसी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली चलो उसे रहने की जगह तो मिल गई, कि अगर दूसरों को गलत फहमी हो रही है तो अनमोल तो सहारा बन गया। अनमोल के यहाँ पर ये लड़की शिफ्ट हो जाती है। अनमोल ने बताया कि भाई पहले एक दो दिन तो बहुत ही सही था, बहुत चिलिंग वगैरह सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अनमोल ने बताया भाई उस लड़की के साथ ना कुछ तो था। अनमोल ने बताया कि भाई वो ना पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, मतलब हम उसे जब भी देखते थे वो दिन में भी एक्टिव है, वो दोपहर में भी एक्टिव है, वो रात को भी एक्टिव है। और जैसे ही मानसी उनके घर में शिफ्ट हुई ना, उनके घर का सब कुछ बदल गया। जैसे अनमोल ने बताया कि भाई हम दो लड़के रहते थे तो लड़कों में होता कि सफाई नहीं होती, मानसी जब आई ना तो ऐसा होता था अगर एक ग्लास में चाय रखी और चाय पी के हमने वहाँ पे एक ग्लास रख दिया या कप रख दिया, आधे घंटे में वो बिल्कुल वहाँ से साफ और जहाँ रखा हुआ है वहाँ चमकता हुआ मिलता था। मतलब मानसी को जो था सफाई का बहुत ज़्यादा शौक था, वो पूरे घर को बहुत ज़्यादा क्लीन रखती थी, इस चीज़ को वो बहुत बिलीव करती थी। अब चीज़ें बढ़ती गई। तो उन्होंने बताया कि मानसी सुबह पहले रेस्टोरेंट जाती थी, फिर कॉलेज जाती थी, और रात को एक वेयर हाउस में काम करती थी। अब ये सोचने वाली बात है कि एक फीमेल इतना काम कैसे कर सकती है भाई। तो मैं उसकी कहानी को सुनता रहा, फिर मुझे लगा मैंने पूछना ज़रूरी समझा कि भाई आप ही बता दो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शौक हुए, ये टर्निंग पॉइंट कहाँ सा है। उसने बोला कि दो दिन बाद ना हम अपने कमरे में थे और हमें जैसे होते कि वहाँ पे अपार्टमेंट में लकड़ी के दरवाजे होते हैं और उधर गैप होते हैं, जैसे इंडिया में आप देखते हो बिल्कुल गैप नहीं छुड़वाते चूहे की वजह से, सांप की वजह से, लेकिन उनके वहाँ अच्छा खासा गैप होता है। और अनमोल वहाँ से जब गुजर रहा था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि मानसी एक्चुअली में बात किससे कर रही है, कौन है इसके साथ। तो अनमोल क्या करते हैं, एकदम से अपने दोस्त को बुलाते हैं और नॉक करते हैं कि मानसी खोल दरवाज़ा, कौन अंदर, किससे तू बात कर रही है। तो मानसी दरवाज़ा खोलती है और मानसी बड़ा नॉर्मल रिएक्ट होने की कोशिश करती है, क्या हुआ। तो बोलते हैं कि अभी हमने तेरे कमरे से आवाज़ सुनी है, तू सच सच बता तू किससे बात कर रही है। तो बोली मैं किसी से बात नहीं कर रही, तुम्हें वहम हो गया, उनको भी ऐसी वहम होता है, तुम्हें भी यही वहम हो रहा है, पता नहीं तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो ये लोग बोलते देख हम एक ही पिंड से हैं, हम इंडिया से हैं, अगर तू हमें साफ साफ बता देगी ना कि कुछ प्रॉब्लम है कुछ है तो हमारे बीच में ही रहेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, कैसे ना कैसे उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब शायद मानसी को लगता है ना कि अब मुझे बता देना चाहिए, तो ये लोग बार बार पूछते हैं कौन है कौन है कौन है। मानसी एकदम से चुप हो जाती है, पीछे से एक आवाज़ आती है, हाय माय नेम इज़ जैकलिन एंड आई एम विद दिस गर्ल फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। अनमोल देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ किसकी थी। वो ये सोचने में पड़ जाता है कि अचानक से कमरे में कौन बोला जो दिख नहीं रहा। और आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपका दोस्त अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहा है और आप उससे पूछते हो कौन है किससे बात कर रहा था, और पीछे से कोई आवाज़ आती है मुझसे। अनमोल कुछ ऐसे ही फील कर रहा था उस टाइम पे कि अचानक से पीछे से आवाज़ आती है और बार बार आवाज़ गूंजती जाती है, और वो इंग्लिश में बोल रही थी, यू नो टेक टेंशन आई एम नॉट हेयर टू स्केयर यू। मतलब वो अलग अलग तरीके से उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, जो भी चीज़ मानसी के साथ थी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ हार्म करने नहीं आई, मैं मानसी के साथ रहती हूँ, मानसी मुझसे बात करती है। और अनमोल और उनके दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने जो पहले ये केस उनके सामने आया था ना मानसी ऐसी हरकत करती है, तो एक बार उन्होंने डिस्कस किया था, तो किया था कि शायद स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी इस लड़की के अंदर। लेकिन अभी ये जो सामने सामने सुन रहे थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि वो लोग किसी ऐसी चीज़ की आवाज़ सुन रहे जिसे वो देख नहीं पा रहे। उन्होंने फिर भी ये सोचा कि यार इस लड़की ने कहीं कोई लाउड स्पीकर तो नहीं लगा रखा जिससे हमें आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग अपने कमरे में चले गए और उन्होंने बताया भाई 2-3 दिन तक हम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, हमें नॉर्मल होने में टाइम लगा। और वो नॉर्मल कैसे हुए, मानसी 2-3 दिन बाद उनके पास आई और बोली कि देखो तुम डरो मत, वो लड़की तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, वो मेरे साथ रहती है, मुझे उसके साथ रहना बहुत पसंद है, वो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है,
ये लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो मानसी बोलती है कि तुम एक काम करना, तुम ना रेंट मत देना, मैं तुम्हारा रेंट दे दूंगी। और यहाँ पे ये लोग सोचते हैं यार इसके साथ कुछ भी हो रहा हो, हमारा रेंट बच गया, हम अपने घर पे ज़्यादा पैसे भेज सकते हैं। अब सुनने में ये लगता है भाई कि अगर मैं होता ना तो शायद मैं भी मान जाता कि यार इसके साथ हो रहा है जो हो रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है, अपने कमरे में रह रही है, मेरा तो रेंट पे कर रही है ना, मेरे घर में वैसे इतने लोन लेके मेरे को यहाँ भेजा हुआ है। अनमोल ने भी यही सोचा कि हम भाई इग्नोर करेंगे इन सारी चीज़ों को, हम अपना कॉलेज जाएंगे, मस्ती काटेंगे, जो भी करेंगे, बट हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमारा रेंट पे कर रही है। और इंसान की मजबूरी अब उससे बहुत कुछ करवाती है, आप इस बात को जानते हो। अनमोल ने बताया कि अक्षय भाई 2-3 दिन बाद क्या हुआ, जब ये सब कुछ चल रहा था अचानक से कोई पंजाबी गाना आ गया और हमने आपस में डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं था, मेरा दोस्त था, मानसी थी। जब ये आपस में डांस कर रहे थे ना तो ये दोनों तो आपस में डांस कर रहे थे, मानसी किसी चौथी एंटिटी के साथ डांस कर रही थी। और इनकी ये हालत हो गई देख के, इनकी बुरी तरीके से फट गई कि ये किसके साथ डांस कर रही है, कि कोई इसका हाथ घुमा रहा है, कभी ये घूम के उसके गले में जा रही है। मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है कि जब ये चीज़ें मैं सुन रहा था ना कि पहले आई एम जैकलिन, उसके बाद वो किसी के साथ डांस कर रही है। अनमोल ने बताया भाई ये चीज़ हमने देख ली, हमने सोच लिया कि अब हम इस अपार्टमेंट को छोड़ेंगे। एक दिन मानसी उनके पास आती है, जब उन्हें मानसी को लगता है कि ये जो दोस्त है वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो मानसी आके बताती है कि देखो यार तुम लोग ना मुझे बहुत डरे डरे लग रहे हो, मैं तुम्हें ना उस लड़की के बारे में सब कुछ बताती हूँ, बट आज के बाद तुम उससे कभी पूछोगे नहीं इस लड़की के बारे में। तो अनमोल और उसका दोस्त बोलते हैं कि भाई बता दो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हमारे फ्लैट में है या आप लड़की आप या मानसी के साथ है। तो मानसी बताती है कि एक्चुअली 2 साल पहले जब मानसी वहाँ पर गई थी रहने के लिए एक फ्लैट में, तो इसने एक ऐसा रूम लिया था जिसमें जैकलिन जो उसके अंदर स्पिरिट रह रही थी उसको उस रूम में मार दिया गया था या उसने सुसाइड कर ली थी। और सुसाइड करने का जो रीज़न था वो ये था कि जो जैकलिन लड़की थी उसके पापा और उसकी मम्मी उसके साथ रहते थे, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती थी और शायद कनाडा में बहुत आम बात है, तो उसके पापा थे वो हमेशा झगड़ा करते थे कि ड्रग्स मत ले ड्रग्स मत ले। तो एक दिन जैकलिन की मम्मी के जो दोस्त थे जो और भी ज़्यादा ड्रग्स लेते थे, उन्होंने जैकलिन के सामने उसके पापा को जान से मार दिया था और ये सदमा जैकलिन को लग गया था और जैकलिन ने शायद वहाँ पर सुसाइड कर ली थी। कहते हैं शायद जैकलिन को मार भी दिया उसने क्योंकि मर्डर देख लिया था। तो उस रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया, लेकिन उसकी मम्मी के पास जब ड्रग्स के पैसे ख़त्म हो गए तो मानसी को वो रूम रेंट पे चढ़ा दिया गया और वो स्पिरिट जो है वो मानसी के अंदर उसने घर बना लिया, क्योंकि मानसी वहाँ पर उस टाइम पे अंग्रेज़ों के बीच में अकेली थी, तब तक अनमोल वगैरह वहाँ नहीं गए थे। तो जिसने एक ऐसा दोस्त बना लिया था जिससे ये हमेशा बात किया करती थी। और उसके बाद जब इन्होंने वेरिफिकेशन चेक किया ना मानसी का, तब इन्हें पता चला मानसी को अभी तक 12 से 13 हॉस्टल्स में से निकाल दिया गया है सिर्फ इसी चक्कर में क्योंकि ये पता नहीं रात को उठ के किससे बात करती है। और फिर अनमोल ने बताया कि अक्षय भाई हमारे लिए तो इतना कॉमन हो गया था कि जब भी हम रात को टहल रहे होते थे अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान लेने के लिए तो हमें ये हमेशा बात करती दिखाई देती थी, 6-6, 8-8 घंटे तक ये बात करती रहती थी उस लड़की से। तो इन्होंने क्या करा, उससे पूछ लिया मानसी से कि एक बात बता मानसी तो इतना एक्टिव कैसे रहती है यार, कि हम तो थक जाते हैं कॉलेज वॉलेज जाके। तो ये बताया मानसी ने कि मॉर्निंग में मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, रात को मैं सो जाती हूँ और जो जैकलिन है ना वो वेयर हाउस का काम करने जाती है। मतलब एक पे एक पत्ते ऐसे खुल रहे थे कि अनमोल और उसका दोस्त जब सुन रहे थे ना, भाई मैं होता तो पता नहीं मैं किस तरीके से रिएक्ट करता, शायद हो सकता है मेरे को इस सिचुएशन पे आके बोरी अब इस तरह बांध लेना चाहिए था, लेकिन इन लड़कों ने फिर भी हिम्मत दिखाई और ये उस फ्लैट में रहे। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई कम से कम 8-9 महीने बाद जब उनकी वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई या फिर कहीं और ऑर्गेनाइज हो गया सब कुछ, इन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया और ये अमेरिका मूव हो गए। वहाँ पर ये ट्रक चलाते हैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। 5 साल हो गए हैं और मानसी अभी भी उस अपार्टमेंट में रहती है। इन्होंने बताया कि भाई मानसी को कभी हम कॉल करते हैं ना और उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो साफ़ बोल देती है कि अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो मेरे पास कभी कॉल मत करना। और आप सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, ये लड़के ट्रक चला रहे ताकि अपने घर के कर्जे उतार सके। मानसी ने सारे कर्जे भी उतार दिए, मानसी ने अपना बिजनेस में बहुत बड़ा नाम भी इस्टेब्लिश कर लिया और मानसी अब बहुत अच्छे से अर्न कर रही है क्योंकि वो डे नाइट शिफ्ट करती है। भाई क्या किस्मत है यार, डे नाइट शिफ्ट कर रही है जहाँ पर वो अपनी नींद भी पूरी करती है और कोई चीज़ है जो उसे सपोर्ट भी कर रही है। इन्होंने बताया कि कभी कभार हमारी उससे बात होती है लेकिन जब भी हमारी बात होती है हम सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि मानसी को पसंद नहीं है कि जैकलिन के बारे में कोई और जाने। तो अब आप जान गए हो।
तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की एक रियल घटना। अगर मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी, हालांकि अनमोल अपने आप को हाइड रखना चाहता था, अगर अनमोल कमेंट कर दे कि भाई ये स्टोरी उसने बताई है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप लोग मुझे स्टोरी भेज सकते हो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और देखो भाई सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना यार, क्योंकि भाई आप, मैं भी चाहूँगा मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कमेंट्स आप इतने अच्छे डालते हो, हमारे लिए मोटिवेशन है। कमेंट्स डालो, लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।